नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां खेतों में लगी सब्जियां सर गल रही हैं, तो वहीं किसानों के घरों में रखे प्याज भी सड़ने लगे हैं, जिसके कारण बिहार शरीफ के किसान सैकड़ों टन प्याज सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि इस सड़क पर प्याज फेंके जाने से बदबू आने लगी है और संक्रमण का भी खतरा बढ़ने लगा है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भी यही आलम था और हजारों टन प्याज फेंकना पड़ा था, इस बार भी वही आलम है। आपको बता दें कि प्याज, आलू और सब्जी उत्पाद में बिहार शरीफ का आशा नगर सोहसराय सलेमपुर पूरे प्रदेश में अव्वल माना जाता है। ऐसे परिवेश में इस मौसम ने किसानों की माली हालत खराब कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर सब्जियां और प्याज सरगल जाने से किसान मायूस दिख रहे हैं। किसान उमेश प्रसाद का कहना है कि मौसम खराब रहने के कारण प्याज घरों में सुरक्षित नहीं रह सका, जिसके कारण प्याज को फेंकना पड़ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर प्याज की खेती की थी, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल प्याज किसान अपने घरों में स्टोर कर रखते हैं और जब कीमत अधिक होती है तब उसे बाजारों में उतारते हैं, मगर यह उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। हुआ है कि अभी ऐसा टाइम में अति बारिश होता सर कि फसल जब कपड़े कपड़े रहता जखने पड़ जाता पानी, इसलिए फेंकना पड़ रहा था, किसान मर रहा, हालत बेकार है। तो आप भी फेंक रहे हैं प्याज? जी हम भी फेंक रहे हैं। तो हालत खराब है आप लोग का? बहुत, दो साल से, पर साल भी ऐसी हुआ, यह हाल था, अबर भी यह हाल है। क्या नाम है आपका? सौराज पासवान। पानी का कितने दिन से हो रहा है, क्या स्थिति है? लगातार 7-8 दिन से बारिश हो रही है। प्याज घर में रख के सड़ने का चीज है ये, इतना स्थिति पानी में गल गया था, सबको फेंकना मजबूरी हो गया है, किसान को हालत खराब है। तो माली हालत बहुत खराब हो जाएगी? तो हालत खराब है माली हालत, पर उम्मीद था किसान को सब मजबूरी। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद नाम हुआ।